आचार्यों में महामिलावट के कुनबे में बड़ा हड़कंप मचा। तीसरा चरण होते होते अब ये लोग फिर अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। लोग वोट कर रहे हैं देश के विकास के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए जो कांग्रेस ने अपने इतने वर्षों के शासन में पैदा किया। साथियों, दिल्ली में आपने मजबूत सरकार बनाई, तभी आज नक्सलवाद माओवाद पर हम इतना काबू पा सके हैं। एक कांग्रेस पार्टी ही थी जिसके समय में जंगलों में मौजूद संपदा पर, खनिजों पर पहला हक बड़ी बड़ी कंपनियों का माना जाता था। जब मेरे सामने ये मामला आया तो मैंने फौरन अधिकारियों को कहा कि कांग्रेस का यह अन्याय नहीं चलेगा। मैंने तय किया कि आदिवासी इलाकों में जो खनिज निकलता है उसका एक हिस्सा वहीं के आदिवासी विस्तारों के विकास में लगाना कंपलसरी होगा। दीदी ने क्या दिया, घुसपैठ और दादागिरी को टॉप गियर में डाला और पश्चिम बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर लगा दिया। दीदी के पास अगर गुंडा तंत्र की ताकत है तो हमारे साथ लोकतंत्र की शक्ति है। हमारे बंगाल में रामनवमी करनी है तो तकलीफ, सरस्वती पूजा करनी है तो तकलीफ, दुर्गा पूजा मनानी है तो तकलीफ, लेकिन ये हिंदुस्तान के चौकीदार के संबंधों का रूप देखिए कि आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने का शिलान्यास 20 तारीख को हो गया। दीदी, अरे मोदी से नहीं सीखना है तो कुछ नहीं, ये यूएई वालों से तो सीखो। हर काम के लिए जहां सिंडिकेट के सामने हाथ जोड़ना पड़ता हो, ऐसी बंगाल की कल्पना गुरुदेव ने नहीं की थी। कम्युनिस्टों के अत्याचार से लड़ने की इसी भावना का पुरस्कार जनता ने दीदी को सिर माथे पर बिठाया था, लेकिन दीदी ने सिर्फ चोला बदला, नारा बदला, निशान बदला, लेकिन काम वही किया वो कम्युनिस्ट करते थे और उससे भी बुरा किया। आज हालत क्या है, गुंडों के लिए ममता और जनकण के लिए निर्ममता। किराए के गुंडों के बल पर ही दीदी आखिरी कोशिश करने में जुटी, लेकिन इस बार बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सत्ता के लिए कोई कैसे पलटी मारता है, इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान राजनीति में है तो दीदी से बढ़कर के कोई नहीं। स्पीड ब्रेकर दीदी ये स्टिकर दीदी भी है। केंद्र की भाजपा सरकार आपके लिए मदद भेजती है और दीदी उस पर अपना स्टिकर लगा देती है। 23 मई को
फिर एक बार जब मोदी सरकार आएगी, गरीब की पाई पाई, एक एक आंसू का हिसाब चुकता कर लिया जाएगा।